टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक ने हत्या के दो मामलों का खुलासा किया है। उन्होंने कंट्रोल रूम में हत्या के इन दोनों मामलों का खुलासा करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी दी। पुलिस कंट्रोल रूम में हत्या के जिन दो मामलों का खुलासा हुआ है उनमें पहला मामला चंदेरा थाने का है, जहां घरेलू विवाद में एक पुत्र ने पिता की हत्या कर दी थी, जिसकी शिकायत मृतक की बहू ने थाने में की थी। घटना के बाद से ही आरोपी फरार था और उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके बाद चंदेरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। वहीं दूसरा मामला दिगौड़ा का है, जहां 24 घंटे के भीतर हत्या का खुलासा हो गया है। यहां उधार के पैसों को लेकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी, जिसने बाद में दम तोड़ दिया था। टीकमगढ़ के SP रोहित काशवानी ने दोनों मामलों की जानकारी पत्रकारों को दी। कौन तनाव की घटना थी? 23 तारीख। दूसरा मामला? दूसरा प्रकरण है थाना दिगौड़ा का, 29 तारीख की घटना है। इसमें दो